जाबरा के गांव डूडरा में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। उसने पहले बहू के साथ मारपीट की और बाद में उसे घर के बाहर निकाल दिया और उस पर पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी जेठ को हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक निर्मला के पति प्रकाश ने 6 महीने पहले खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद से निर्मला अपने 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल में ही रह रही थी। उसका जेठ सुरेश अपने छोटे भाई प्रकाश की मौत का कारण निर्मला को मानता था, इसलिए उसने शनिवार को पहले अपने छोटे भाई की पत्नी को बेरहमी से मारा, फिर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। कई दिनों से उसको प्रताड़ित कर रहे थे। 7 महीने पहले मेरे जीजा जी जो है उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था जमीनी विवाद के चक्कर में। तो ये कई दिनों से धमकी दे रहा था और शाम को भी फोन आया था मेरी बहन का कि ये घर की तरफ चक्कर लगा रहा है बार बार, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को मार। पहले मेरा जो भांजा है उसको बोला था इसने 15 दिन पहले कि तेरी माँ को हम मार देंगे, काट डालूंगा कैसे भी करके। तब्दीश में सामने आया हुआ है, उसमें ये आया हुआ है कि उस महिला का पति जो है वो सालाखेड़ी में लगभग 1 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी और जेठ का ये मानना था कि उसके भाई ने उस महिला की वजह से ही आत्महत्या करी है। इस तरीके की चीजें अभी तक सामने आई है और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्यवाही भी करेंगे। अभी आरोपी हमारी हिरासत में।